हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं हनुमंत धाम। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हमको सामने ही मिल जाता है दुर्गा माँ का मंदिर। सो हम लोग यहाँ का दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हर जगह पे हनुमान जी की प्रतिमाएँ बनी हुई थी, तो ये मस्तक झुका रहे थे, मैंने भी हाथ जोड़े। सो मोक्ष अपनी सैतानी के लिए जगह ढूंढ रहे थे, इनको कहीं कुछ मिल जाए बस निकल ले। यहाँ पे पत्थर के शेर बने हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मोक्ष को लगा यहाँ बैठा जाता है, तो ये अपना बैठ कर इंजॉय कर रहे थे। और ये वही पे बना हुआ था राम जी का छोटा सा मंदिर। सो हम लोग हनुमान धाम जो मेन मंदिर है हनुमान जी का, मैं वहाँ आ चुकी हूँ दर्शन के लिए। सो ये आगे आगे चल रहे थे, मैम ने भी पीछे से दर्शन किए। सो बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद पीछे साइड में थोड़ा बालकनी थी, वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। सो ये है हनुमान धाम। सो मोक्ष यहाँ पे बैठे हुए कुछ अपना दिमाग लगा रहे थे, मैंने भी अपनी सेल्फी ली। तो यहाँ पीछे बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा था। वहाँ से निकलने के बाद फिर वही माँ दुर्गा जी का मंदिर आ जाता है। सो हम लोगों ने वहाँ पे सेल्फियाँ ली। सो फिर हम लोग आ गए हैं शिव जी के मंदिर। वहाँ छोटा सा एक शिव जी का मंदिर था, दोनों साइड में हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी जो वो लेटे हुए थे, बीच में शिवलिंग था और उनका पूरा परिवार था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले। सो यहाँ देवी जी बार बार इनके दर्शन हो रहे थे, बोलो जय माता दी। सो हम लोग थोड़ा सा आगे निकले, फिर हम लोग बाहर जाकर बाहर का लोकेशन बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे सब लोग आते हैं सेल्फी वीडियोस और इन रील्स वगैरह के लिए। फिर हम लोगों ने लड़कियों से लड़कियाँ मिली, मन पूजा कराए थे, उसके बाद ये लोग हम लोगों को मिली, तो जाके हम लोग पे टीका लगाया। सो इनको दान दक्षिणा देने के बाद हम लोग निकले। वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, मेरा तो मन कर रहा था मैं बार बार ही सेल्फी लूँ और वीडियोस बनाऊँ। सो वहाँ झूले बने थे, मैंने कहा मेरी फ़ोटो खींच दो झूले पे, तो उन्होंने फ़ोटो की जगह वीडियो बना लिया। सो ये हम लोग भी तीनों लोग झूल रहे थे। झूला झूलने के बाद हमने थोड़ा सा इधर उधर कैमरा घुमाया क्योंकि बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही अच्छी व्यू है। फिर मोक्ष का ये पानी पीने की नौटंकी, इनको प्यास लग गई। सो पानी भी ख़त्म हो चुका था, मैंने कहा बाहर थोड़ी ही दूर पे पौधों में पानी डाल देते। एक अंकल हमने कहा वहाँ से ले आओ, तो ये पानी लेने नहीं गए, पापा को अपने झूला झुलाने लगे। सो बहुत ही इंजॉय कर रहा था ये लड़का, बहुत ही। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत सुकून वाली फीलिंग आ रही थी। सो हम जो है, तो ये कान्हा जी का मंदिर भी बना हुआ था वो सबसे ऊपर सीढ़ियों में। सो ये अंकल गौर से देख रहे थे हमको। और यहाँ पे गोमती नदी के किनारे है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये नदी की वजह से, और भी अच्छा लुक आ रहा था। सो हम लोग ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने के बाद कान्हा जी और राधा जी के दर्शन करते हैं। बोलो राधे कृष्णा। सो यहाँ के दर्शन हो चुके थे तो हम लोग वहीं चुपचाप बैठ गए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो इन्होंने कहा मेरी फ़ोटो खींच लो, मैंने इनका छुपके से वीडियो भी बना लिया। सो हम लोग नीचे आ चुके थे, नीचे आ ही रहे थे। सो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा तो मैंने यहाँ का वीडियो बनाया। सो मैं मंदिर के पास आकर बैठ गई, यहाँ पे छोटे छोटे खंभे बने हुए थे तो वहाँ बैठकर पूरा मंदिर का मज़ा मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको प्यास लगी तो ये पास में छोटा सा नल साइड में लगा था, वहाँ पानी भरने के बाद पीने लगे। सो हमने यहाँ पे ये सन हाय कितना खूबसूरत लग रहा था, ये सब हमको सबसे सुंदर यही लगा। सो मोक्ष वहीं बैठ के उछल कूद कर रहे थे और जो लोग भी सेल्फी ले रहे थे या फोटो खींच रहे, मतलब वीडियोस बना रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब कर रहा था लड़का, मंदिर का वीडियो बनाया। फिर यहाँ पे एक सरस्वती माता की भी मूर्ति थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, हमने वहाँ के दर्शन किए। और यहाँ पे हमने बताया ना कि जगह जगह पे हनुमान जी की प्रतिमाएँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो हमने वहाँ के दर्शन किए। और ये प्यारी सी मूर्ति और ये बीच में शिव जी का पूरा बना के रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था दूर से। ये शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं। सो ये सरस्वती माता है, ये मेन मंदिर है, बहुत बढ़िया लगा। आज जाके एकदम सुकून वाली फीलिंग आई, क्या मस्त मूड हो गया था। सो हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए, दर्शन हो चुके थे, साइड में एक गोमती नदी थी, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर मेट्रो है। बहुत के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।